राजनीति में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई राजनीति और चुनावी रणनीति होती है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रायबरेली के विकास के लिए अपनी निधि से 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके बाद इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी की चाल है, तो कोई कह रहा है कि रायबरेली में विकास हुआ ही नहीं। सो इससे चिंतित अरुण जेटली ने अपनी निधि से पैसे दिए हैं। इस बीच ये भी चर्चा होने लगी है कि शायद आगामी चुनाव में जेटली सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछली बार अमृतसर से चुनाव लड़कर शिकस्त झेल चुके जेटली रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच रायबरेली के लोगों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। सोनिया को घेरने के लिए बीजेपी का रायबरेली प्लान। अरुण जेटली ने अपने सांसद निधि से दिए 2.5 करोड़ रुपए। कांग्रेस एसपी ने चुनावी साल में पैसे देने पर उठाए सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया रायबरेली की अनदेखी का आरोप। देश की सबसे बुरी पार्टी कांग्रेस देश के सबसे बड़े सूबे में अमेठी और रायबरेली तक सिमट कर रह गई। पिछले विधानसभा चुनाव अमेठी में कांग्रेस के किले की दीवारें दरक चुकी हैं, वहीं रायबरेली में कांग्रेस के ताबूत में किले ठोकने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी चाल चली है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में रायबरेली के विकास के लिए अपनी निधि से 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे आ भी गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी के मुताबिक जो भी प्रपोजल आएंगे इस निधि से उन कामों में रकम खर्च की जाएगी, ताकि रायबरेली का और विकास हो सके। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब का 2.5 करोड़ रुपया जनपद को प्राप्त हो गया है, तो क्या क्या विकास किया जाना है, तो इसका प्रस्ताव हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से मांगा। जेटली ने अपनी निधि से 2.5 करोड़ रुपए दिए तो राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अरुण जेटली को गद्दार तक कह डाला और कहा कि अगर अरुण जेटली को अपनी निधि से रुपये देने थे तो भी चुनावी साल में उनका ये फैसला जरूर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामलाल अकेला भी इस निधि पर सवाल उठाने से पीछे नहीं रहे हैं। जेटली ने चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का पंजाब से, और ये चुनाव हार गए। एमपी होने के बाद फिर महत्वपूर्ण विभाग वित्त मंत्रालय इनको मिल गया, तो इनको तो चाहिए थे कि वहाँ से जहाँ से चुनाव हारे थे वहाँ जा कर के कुछ काम करते, वहाँ के लोग समझते कि ये वफादार आदमी निकलेगा। लेकिन ये लोग तो सब जगह देश की जनता के साथ गद्दारी करते हैं, वही यहाँ करने आए हैं। इसके पहले क्या इन्होंने कभी रायबरेली झांका है? रायबरेली की ज्योग्राफी क्या इनको पता है? रायबरेली के विषय में कुछ एबीसीडी जानकारी है इनको? जेटली जी को 2019 का लोकसभा चुनाव हम सब के दरवाजे दस्तक दे रहा है, और उसी लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी के आधार पर चलती है, ये 2.5 करोड़ रुपया अरुण जेटली का एक जुमला है रायबरेली के विकास के लिए, और रायबरेली के विकास से और भारतीय जनता पार्टी का तो रायबरेली के विकास से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष की माने तो कांग्रेस ने रायबरेली में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, जिसको लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास से उपेक्षित रायबरेली के विकास के लिए अपनी निधि से 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ पर जो 70 साल में विकास के नाम पर जो विनाश हुआ है, यहाँ पर की खराब व्यवस्था को देख के हमारे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, अपनी निधि से 2.5 करोड़ देकर रायबरेली को जो सौगात दिया है रायबरेली के विकास के लिए कि 2.5 करोड़ लगेगा तो निश्चित रायबरेली का विकास अच्छा होगा। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी की इस राजनीतिक लड़ाई में किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये तो 2019 के चुनाव में ही तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इससे रायबरेली की जनता को जरूर फायदा होगा, क्योंकि यहां सोनिया गांधी की सांसद निधि से रुपये खर्च होंगे, वहीं अरुण जेटली की निधि से आए पैसे भी विकास कार्य में खर्च किए जाएंगे।
रोहित मिश्रा, समाचार प्लस, रायबरेली।